भैया आवाज कम कर लो ना यार, मैं पढ़ रही हूँ। अरे चुप रहे, फाइनल राउंड चल रहा है। भैया डिस्टर्बेंस हो रही है, और अगर आवाज करके खेलना तो दूसरे रूम में जाके खेल लो ना। गेम ओवर। देखा, हरवा दिया ना। लेकिन भैया मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा मेहरबानी कर दी आपने, 2 मिनट की बात थी, चुप नहीं रह सकती थी तू। हेलो। क्यों हरवा दिया ना? अरे नहीं यार, लास्ट में गेम अटक गई थी, वरना मैं जितवा देता। हाँ यार, वैसे भी तेरा फोन बहुत पुराना हो चुका है, नया क्यों नहीं ले लेता? हाँ यार, पापा से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। हाँ वो सब तो ठीक है, अगले महीने से एग्जाम्स हैं, क्या सोचा है? तब की तब देखी जाएगी, अभी तो फिलहाल नया फोन लेने की तैयारी कर रहा हूँ। चल ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। हाँ हाँ बिल्कुल, चल ठीक है, बाय। ओके। माँ, वो आपने पापा से बात की? किस बारे में? वही लैपटॉप के बारे में। नहीं मैंने बात नहीं की। क्या माँ, अगले हफ्ते से मेरा एग्जाम शुरू है, और मैं आपको कब से कह रही हूँ, और आप उसके ध्यान ही नहीं देते। इतना है तो खुद ही बात कर लेना अपने पापा से। चाय तो बहुत अच्छी बनी है भाई। आपकी बेटी ने बनाई है। वाह बुड्ढी, आजकल घर के कामकाज में भी इंटरेस्ट ले रही हो? पापा वो मुझे कुछ बात करनी थी। बोलो। अरे पापा। अरे भाई अब तुझे क्या हुआ? जरा देखना ही मेरा फोन कितना पुराना हो गया है, ठीक से काम करना भी बंद कर दिया इसने। क्या अभी पिछले साल ही तो लिया था? अरे माँ हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, मैं ये बेकार सा घटिया फोन लेके घूम रहा हूँ। लेकिन सनी अभी तो। अरे यार अब अगर बच्चे का मन है फोन बदलने का तो बदल ले दो ना, लेकिन नहीं तुम्हें तो बहस करनी है बस। बेटा तुम कल मेरे साथ चलना, वर्मा जी की दुकान से ले लेंगे, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है पापा। एक मिनट पापा, मुझे भी कुछ बात करनी थी। अरे हाँ बोलो, क्या बोलना था तुम्हें? मुझे लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप? मगर लैपटॉप क्यों चाहिए भाई? पापा अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम शुरू है, और पढ़ाई भी करनी होती है। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स, सैंपल पेपर, सब कुछ। अगर मेरे पास लैपटॉप होगा तो मैं अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ। देखो बेटा मेरे पास ये फजूल खर्चे के लिए पैसे नहीं है, वैसे ही तुम्हारी कॉपी और किताबों पे बहुत सा खर्चा हो चुका है। लेकिन मेरे करियर का सवाल है, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा, ये किताबें, एडमिशन फीस। मैं वो सब कुछ नहीं जानता, आए दिन तुम्हारी पढ़ाई के नाम पर ये फालतू की चीजों के लिए खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भैया के फोन पे अगर बात करने के लिए पैसे हैं आपके पास? क्या मतलब? गुड्डी अपने कमरे में जा। बोलने दो माँ, मेरे करियर का सवाल है, एक लैपटॉप ही तो मांगा है पढ़ाई करने के लिए, उसके पीछे पापा ने इतना सब कुछ सुना दिया, और भैया सारा दिन अपने फोन में गेम खेलते रहते हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनके एग्जाम्स कब है, और इनके एक बार कहने पर पापा ने आपको भी चुप करा दिया। I'm very sorry माँ, लेकिन कल को मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती, मैं बोलना चाहती हूँ, अपनी आवाज रखना चाहती हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही आइडियोलॉजी है कि बेटियों को क्या पढ़ाना, बेटी तो पराया धन है। क्यों पापा आप भी अपने बेटे से ही उम्मीद करते हो ना, बेटी से नहीं? लैपटॉप नहीं मिलेगा तो मैं फेल नहीं हो जाऊंगी, लेकिन अगर मिल जाएगा तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। For God's sake पापा, एक बार बेटियों से उम्मीद कर कर देखो, दोगुना रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो दोबारा लेबल लगा देना। वैसे भी
आपके लिए तो हम पराया धन है ही। तुम्हारा लैपटॉप कितने का आएगा बेटा?